व्यूअर्स, इस लेसन में टैब से रिलेटेड मजीद प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। ऐसा करने के लिए व्यूअर्स में तीनों इमेजेस को सिलेक्ट करता हूं और फाइल के पुल डाउन मेन्यू में जाकर व्यूअर्स में ओपन किस कमांड पर क्लिक करूँगा। व्यूअर्स, तीनों इमेजेस इस वक्त Adobe Photoshop में ओपन हो चुकी हैं वन बाई वन। व्यूअर्स, मैं इन तीनों इमेजेस को चाहूँ एक साथ फ्लॉट करवा सकता हूँ या फिर व्यूअर्स मैं वन बाई वन भी अपलोड करवा सकता हूँ। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे पास ये इमेजेस एज टैब डॉक्यूमेंट है। इसे फ्लोटिंग स्टेट में लाने के लिए व्यूअर्स मैं जस्ट इसके टैब में क्लिक करूंगा और इसे व्यूअर्स ड्रैग आउट कर दूंगा। व्यूअर्स, मैं तीनों इमेजेस को फ्लोटिंग करने के लिए विंडो के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा। व्यूअर्स, यहाँ से अरेंज के सब ऑप्शन में जाकर व्यूअर्स फ्लोट इन विंडो के इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस वक्त फ्लोट इन विंडो में एक एक्टिव इमेज ऑलरेडी है, लिहाजा व्यूअर्स मैं अगेन इस ऑप्शन में जाकर फ्लोट ऑल इन विंडोज के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो तीनों के तीनों व्यूअर्स टैब डॉक्यूमेंट्स जो है वो फ्लोटिंग स्टेट में मौजूद है। व्यूअर्स, वन बाय वन इन्हें व्यूअर्स मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, अरेंज कर सकता हूं और इसमें काम कर सकता हूं। देन अगर किसी स्पेसिफिक व्यूअर्स इमेज को मैं एक्टिव रखते हुए फाइल के पुल डाउन मेन्यू में जाऊं और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूं Adobe Photoshop में, व्यूअर्स सिंपल इस कमांड में क्लिक करूंगा और अभी सिंपल व्यूअर्स में ओके के इस बटन पर क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है वो हमारे एक्टिव फ्लोटिंग पैनल में हुआ है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं राइट हियर हमारे पास इमेज है और यहां पर एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है। व्यूअर्स, मैं चाहूं तो इस डॉक्यूमेंट को ड्रैग आउट करके बाहर कर सकता हूं या फिर किसी दूसरे इमेज के फ्लोटिंग पैनल में व्यूअर्स में से एडजस्ट कर सकता हूं। व्यूअर्स, में से सिंपल अभी ड्रैग आउट करके बाहर निकालता हूं। देन व्यूअर्स, में इन तमाम के तमाम टैब्स को अरेंज करना चाहूं तो जस्ट विंडो के इस पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा, अरेंज एंड देन व्यूअर्स फ्लोट ऑल इन विंडोज। देख सकते हैं तमाम के तमाम व्यूअर्स टैब्स जो है वो फ्लोटिंग सिचुएशन में। व्यूअर्स, अगर आप ये चाहें कि काम करने के दौरान आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें या फिर व्यूअर्स कोई इमेज वगैरह ओपन करें तो वो टैब की सिचुएशन में ना हो, तो फिर ऐसा करने के लिए व्यूअर्स में प्रेफरेंसेस की सेटिंग को मॉडिफाई करूंगा। व्यूअर्स, मैं एडिट के मेन्यू में जाऊंगा, यहां से व्यूअर्स मैं प्रेफरेंसेस में जाते हुए वर्क स्पेस के इस सेटिंग को एक्सेस करता हूं। व्यूअर्स, राइट हियर हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है व्यूअर्स, जो चेक्ड है ओपन डॉक्यूमेंट एज टैब। व्यूअर्स, में से अनचेक कर देता हूँ। साथ ही व्यूअर्स हमारे पास एक और ऑप्शन है कि इनेबल फ्लोटिंग डॉक्यूमेंट्स विंडो डॉकिंग। व्यूअर्स, ये ऑप्शन चेक्ड है, यही रीजन है व्यूअर्स के जब हम किसी एक स्पेसिफिक पैनल को दूसरे स्पेसिफिक पैनल में व्यूअर्स डॉक करवाना चाहे तो हम इजिली करवा सकते हैं। अगर व्यूअर्स में से अनचेक कर दूं और ओके कर दूं तो फिर व्यूअर्स आप देखें कि अगर मैं इस न्यू डॉक्यूमेंट को अपने बैक साइड मौजूद पैनल में व्यूअर्स डॉक करवाना चाह रहा हूं लेकिन व्यूअर्स ये डॉक नहीं हो रही। इसी तरीके से व्यूअर्स इस इमेज को अगर दूसरे फ्लोटिंग इमेज में डॉक करवाना चाहूं तो फिर व्यूअर्स ये फ्लोट नहीं हो रहा। या फिर व्यूअर्स मैं इस अनटाइटल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूं और इसे क्लोज करता हूं। व्यूअर्स, में शॉर्टकट की इस्तेमाल करूंगा कंट्रोल एन, जो कि न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट है। व्यूअर्स, इसे कैंसिल करता हूं, यही ऑप्शन एक्सेस कर सकता हूं व्यूअर्स राइट हियर इस ऑप्शन पर क्लिक करके। व्यूअर्स, मैं ओके करता हूं। बट इन दिस केस व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट अलग से एक फ्लोटिंग पैनल में व्यूअर्स क्रिएट हुआ है, ये किसी दूसरे एक्टिव फ्लोटिंग पैनल में व्यूअर्स डॉक नहीं हुआ है। लिहाजा व्यूअर्स हम यहां पर टैब्स की कुछ सेटिंग को एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। व्यूअर्स, विंडो के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहां से फ्लोट ऑल इन विंडोज के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। व्यूअर्स, बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन टैब से रिलेटेड जो कि हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे। व्यूअर्स, अब मैं फाइल के टैब में क्लिक करता हूं और क्लोज ऑल के ऑप्शन में क्लिक करके इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को व्यूअर्स में क्लोज कर दूंगा। व्यूअर्स, समटाइम कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं व्यूअर्स जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। सो
मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करूंगा व्यूअर्स कि सेटिंग्स को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं और डिफरेंट ऑप्शन को व्यूअर्स हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं। नाउ व्यूअर्स, टैब से रिलेटेड हम डिफरेंट सेटिंग्स को डिस्कस कर रहे थे और टैब तो किस तरीके से व्यूअर्स हम डॉक करवा सकते हैं और व्यूअर्स उनकी प्रेफरेंसेस की सेटिंग को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, तमाम चीजों को व्यूअर्स हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए चाह सकते हैं, अल्लाह हाफिज़।